नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का Edu एक्सप्रेस में आइए आज हम लोग हिंदी का जो प्रियावाची है उसे देखते हैं यह है आपके बीपीएससी मेंस मेन्स एग्जाम जो आने वाला है और बीपीएससी जो एसआई SI का बीपीएससी द्वारा जो लिया जाता है बी द्वारा तो उसका भी देखेंगे हम लोग इस वीडियो में तो और इसके अलावा अन्य भी जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी यह लाभदायक रहेगा प्रयावाची जो पूछे जाते हैं तो वो आप लोग ज़रूर सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद ये जो है दो पार्ट में लाया जाएगा ये पार्ट वन एंड टू के पार्ट में लाया जाएगा तो ये पार्ट वन है पार्ट टू भी बना लिया गया है तो देखते हैं हम लोग पार्ट वन को आइए तो पहले सबसे पहले परिभाषा देखते हैं पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं आखिर तो इसका सामान्य परिभाषा जो है आपके समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द ये जो है समानार्थी शब्द जिसको कहते हैं उसको पर्यावाची भी कहते हैं तो भाषा में पर्यावाचित शब्दों की अधिकता उसे समृद्धि का द्योतक है तो ध्यान रखिएगा दो चीज़ तो क्या है कि समान अर्थ जो का जो बोध कराने वाले शब्द हैं उसे हम लोग पर्यावाची या समानार्थी शब्द कहेंगे और साथ में क्या है कि ये जो पर्यावाची जब आप शब्द वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इसका जो आप समृद्धि जो है वो उसकी बढ़ जाती है उसको मतलब वो समृद्धि का द्योतक है इस रूप से अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं तो से स्टार्ट करते हैं हम लोग यानी कुल एक सौ एक सौ पचास से ज़्यादा है, हैं एक सौ छप्पन लगभग हैं इसमें कुल प्रयावाची तो हम लोग इस वीडियो में देखने का प्रयास करते हैं पचास कम से कम जरूर देखते हैं इस वीडियो में उसके बाद आगे का हिस्सा अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग तो प्रारंभ करते हैं हम लोग स्पीड से पढ़ेंगे हम लोग तो अंग अंग मतलब अंश अवयव हिस्सा भाग इसे हम लोग अंग कहते हैं उसका अग्नि अग्नि जानते होंगे पावक ज्वाला अनल दहन और वहीव वैश्वानर उसका धूमकेतु कृषाणु जातेदेव तो इतने सारे नाम रखने का आपको याद कोई जरूरत नहीं है आपको कम से कम दो से तीन नाम जो है आप लोग कम से कम याद रखिए प्रत्येक का तीन चार नाम तो आप लोग ऐसे हो जाएगा एक नाम के बदलेगा तीन नाम याद रखते हैं तो चार नाम ओवरऑल आपका बन जाएगा तो इस प्रकार से अग्नि जैसे है तो पावन हुआ ज्वाला हुआ दहन हुआ ईद होकेत तो हुआ इस प्रकार के नाम आप लोग ध्यान रखिएगा जो आप लोगों को याद रखने में ईजी हो आप लोग एग्जाम में उसको चुन के लिख पाए अगला फिर प्रश्न है अनुपमन उसे क्या कहते हैं अपूर्व अद्वितीय अद्भुत अतुल अनोखा इसे अनुपमन कहा जाता है उसी रूप से अमृत अमृत को सोम सुधा अमी पीयूष मधु अमी सुरभोग इसे हम लोग अमृत कहते हैं इसके अलावा भी अमृत को और भी कुछ कहते हैं जो आप लोग आगे देखिएगा उसके अलावा अरण्य अरण्य मतलब जो इधर जो मार्क किया हुआ और ध्यान रखिएगा जो नंबरिंग पर जिसमें मार्क किया हुआ तो उससे एग्जाम से पूछा गया और एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना बनती है तो इसलिए जो टीक मार्क है उसे तो आप लोग अच्छे तरीके से याद कर ही लें कुछ ना कुछ तो जंगल वन कानन अटवी अटवी उसके बाद कांतार विपिन इसे हम लोग अरण्य कहेंगे विपिन को भी अरण्य कहते हैं अश्व अश्व मतलब तो तुरंग है घोड़ा घोटक वजी बाजी और सेंधव इसे हम लोग अश्व कहेंगे तो अश्व भी प्रश्न बनते हैं अरण्य और अश्व ये से आप लोग ध्यान रखिएगा तो आप लोग जंगल वन कानन ये सबको ध्यान रख सकते हैं विपिन को ध्यान रख सकते हैं उस अश्वरूप से तुरंग है घोड़ा घोटक इसे सेंधव इसे भी रख सकते हैं उसका असुर अगला है धनुज दानव दैत्य राक्षस तमीचर निशाचर निश्चर सुरारी रजनीचर यातुधान और इंद्रारी तो इसे असुर कहा जाता है आँख को कहते हैं नयन दृघ लोचन चक्षु नेत्र और अक्षी इसे हम लोग आँख कहेंगे उसी रूप से आंगन मतलब आंगन अजीर प्रांगन जो आप बरामदा होता है बरामदा भी कह सकते हैं आंगन को फिर अगला प्रश्न है अगला प्रयावाची है आकाश इसे टिक मारा हुआ है तो मतलब मार्क किया हुआ है तो यह इम्पोर्टेंट है गगन नभ अंबर व्योम अंतरिक्ष अनंत आसमान शून्य पुष्कर अभ्र द्यौ और तारापथ कहते हैं इसे इसका उच्चारण द्यौ है और इसे तारापत आकाश को इस सारे प्रयावाची हैं उसी रूप से आनंद सुख हर्ष प्रसन्नता प्रमोद उल्लास और आहद जिसे हम लोग आनंद कहते हैं उसके बाद अगला प्रश्न है या प्रियावाची है आम अम्र रसाल पिकबंधु सहकार अति सौरभ और अमृत फल आम को अमृत फल भी कहा जाता है तो ये भारत में जो है सभी लगभग क्षेत्रों में आम जो उत्पादन होता है और आम यह लोकप्रिय फल है अगला प्रश्न है इच्छा इच्छा मतलब आकांक्षा वांछा अभिलाषा मनोरथ स्पृहा चाह कामना, इहा वासना इसे हम लोग इच्छा कहते हैं उसी रूप से अगला है इंद्र इंद्र भगवान के बारे में है तो इंद्रा भी कहते हैं उसे सुरपति देवराज महेंद्र माधव सचिपति पुरंदर सुरेश देवेंद्र मेघवाहन पाक शासन और यासव इसे इंद्रा कहा जाता है तो ये पुरंदर जो है आपके ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है पुरंदर इंद्र को डिनोट करने के लिए उसके बाद इंद्रानी इंद्रानी किसे कहा जाता है इंद्रानी देखा जाए तो इंद्रवधु इंद्राणी माधवानी सची या कह देखिए इसके इंद्र की पत्नी को ही कह यहाँ पे देख सकते हैं सची पति इस प्रकार का प्रयोग किया गया है ना तो इसे लोग ध्यान रखिएगा इंद्रवधु इंद्रानी जिसको इंद्र है इंद्रानी उसके पोलोमी और सतावरी इसे हम लोग इंद्राणी कहते हैं उसी रूप से देखते हैं ईश्वर तो मेरे ख्याल सभी जानते होंगे ईश्वर का पर परमात्मा परमेश्वर भगवान ब्रह्मा जगदीश अगोचर अनंत जगन्नाथ परमेश्वर जगत प्रभु हम लोग ईश्वर को कहेंगे उसी रूप से अगला है कपड़ा मतलब चीर बसन पट अंबर वस्त्र परिधान जिसे लोग कपड़ा कहते हैं उसके बाद है कमल यह महत्वपूर्ण है आपका हो जाता है तो ध्यान रखिएगा कमल का कज पंकज जलज सरोज नीरज अंबुज वारिज इंद, इंदीवर राजीव उत्पल और अरविंद तो देखा कि कमल का जो बहुत सारे नाम है तो वो क्या है कि आपके जो मित्र होंगे बहुत आसपास में उसके नामों पे हैं जैसे पंकज जलज ये आपका नीरज राजीव अरविंद ये सब जो है ना आपके दोस्तों के नाम होंगे इसके नाम पे आप लोग ध्यान रखिएगा कमल के नाम होते हैं उसी रूप से कामदेव ये भी इम्पोर्टेंट है तो काम मदन मनोज मयन अनंग पंचसर मंथे रतिपति मनसीज पुष्पन्या उसके बाद स्मर उसके बाद मीन केतु मकर ध्वज हम लोग कामदेव को कहते हैं तो मकर ध्वज जो है मनोज जो है मदन काम ये सब पॉपुलर नाम है तो इसे ध्यान आप लोग रखिएगा जो उसके बाद अगला है कार्तिकेय मतलब जो शिव के पुत्र थे कुमार सड़ानंद सरभव अस्कंद इसको कार्तिक किरण किरण मतलब रश्मि मयुक मरीची अंशु और कर इसे हम लोग किरण कहते हैं उसके बाद अब आता है कुबेर मैंने जो धन के देवता हैं कुबेर उसे जानते हैं हम लोग उसके अनद यक्षराज धनादपी उसके बाद किन्नरेश उसके बाद राजराज तो देखिए धनाधिप इसको कहते हैं धनाधिप यानी धनाधो जो धनपति हैं उसका भी अधिपति है यह कुबेर उसी राज, राज मतलब राजाओं का भी राजा है यह कुबेर तो इसे इस प्रकार से याद रखते हैं उसके कोकिल मतलब कोयल पिक वसंत दूत कोकिला प्रभूत देखिए यह कोयल जो है एक प्रकार से जानते हैं मीठी बोली के लिए अपनों, फेमस है यह काफी उसके बाद है कपोत कपोत मतलब कबूतर हारित रक्तलोचन रक्तलोचन मतलब कबूतर और कपोत उसका कृष्ण कृष्ण को क्या कहते हैं हम लोग मेरे ख्याल से सभी ये जानते होंगे मोहन उसके बाद मुरारी गोपाल गिरिधर केशव वासुदेव नंदन नंदन नंदनंदन नंदन। उसके बाद राधा रमन दामोदर वज्रवल्लभ गोपीनाथ मुरलीधर द्वारकाधीश यदुनंदन और कंसारी और बंसीधर तो ये बहुत सारे नाम हैं आपको जो कृष्ण के भक्त हैं वो कृष्ण को विभिन्न नामों से विभिन्न रूपों में पूजा उसकी करते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा नंद नंदन को फिर अगला अब हम लोग आगे बढ़ते हैं छब्बीसवा नंबर देखने के प्रयास करते हैं हम लोग छब्बीसवा नंबर है आपका कौवा पे मतलब जो काग किसको था कौवा वायस काग करट पिसुन कौवा कहते हैं कृपा कृपा मतलब दया अनुग्रह अनुकंपा तो यह कृपा का, का संस्कृत क्रोध क्रोध मतलब कोप रोष अमर्ष गुस्सा आक्रोश इसे हम लोग क्रोध कहते हैं उसके खग खग मतलब पंछी होता है तो विहग विहंग पक्षी दुज चिड़िया पंछी अंकुरित वा, अर्प खेरु इसे हम लोग खग कहेंगे उसके बाद शकुनी भी कहते हैं हम लोग खग को इसके अलावा आ गया है खम्भा खम्भा मतलब स्तूप स्तंभ अखब को खम्भा कहेंगे उसके बाद खल मतलब दुर्जन दुष्ट धूर्त कुटिल तो इन्हें बदमाश आदमी को खल कहते हैं उसको खून को कहते हैं रक्त लहू सोनित रुधिर इसको खून कहेंगे उसके बाद गंगा ये जो है बहुत ही पवित्र नदी है भारत देश की गंगा सुर शरी शु... सरिता अमृत तरंगनी, अमृत तरंगनी उसके बाद भगीरथी मंदाकिनी देव नदी जाहवनी जाहवनी जानवी उसके बाद देवपगा त्रिपथा विष्णु नदी और मतलब इसको इतने सारे नाम हैं गंगा नदी का तो ध्यान रखिएगा फिर अगला है गणपति मतलब गणेश भगवान तो इसको जानते हैं गणपति गजबदन गजानन लंबोदर एकदंत भवानी दंत, दंत वक्तुंट सूत मोदक प्रिय विनायक तो इसका ध्यान रख सकते हैं उनका जो हाथी का सूर लगा हुआ था इस कारण से गजानन कहते हैं गज उसको कहते हैं हाथी को गजानन कहते हैं गजवदन कहते हैं गणपति कहते हैं इस कारण से और विनायक और मोदक प्रिय आप लोग जानते हैं उनको नाम फेमस है उसके गधा मतलब जो खर है गधब है बैसाखा बैसाख नंदन है उसको कहते हैं उसके बाद सरास उसके बाद धूसर वेसर और चक्रीवान मतलब जो जैसे बैलगाड़ी वगैरह इस टाइप का जो देखते हैं चक्रीवान टाइप का छोटा लगा दिया जाता है गधाओं का जोड़ने के लिए इसको चक्रीवान कहते हैं चक्री को जो होता है ठेला टाइप का उसे ढोता है फिर अगला है गेह गेह किसे कहते हैं भाई तो गृह यानी भवन जो होता है मकान जो होता है सदन घर मंदिर निकेतन आवास निवास धाम गृह आलय आगार ओक नीलय इतने सारे नाम हैं घर के उसके बाद गाय अगला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम में पूछा जाता है गौ धेनु सुरभि गौरी भद्रा और गोधी कहते हैं गोधी गाय का नाम है घट मतलब घड़ कलश कुंभ निप तो ये इसको कहते हैं घड़ा भी कहेंगे उसके बाद घृत मतलब घी अमृत नवनीत इसको घी कहते हैं तो देखिए इसी रूप से देखिए घी अमृत का देखिए पहले भी कुछ कहते हैं फिर यहाँ पे भी घी के नाम जगह भी प्रयावासी भी अमृत प्रयोग होता है उसी रूप से अगला देखिए और भी एक जगह प्रयोग होता है अमृत का उसे भी देखेंगे पार्ट टू में हम लोग इसलिए आप लोग जो है अमृत और किसे कहते हैं तो उसको देखिएगा पार्ट टू में घास तृण दुर्बा दुब कुश साध इसे हम लोग घास कहेंगे उसके बाद है चतुर चतुर मतलब विज्ञ निपुण नागर पटु कुशल दक्ष प्रवीण योग्य इसे हम लोग चतुर कहते हैं फिर अगला है चंद्रमा चंद्रमा किसे कहेंगे सोम सुधांशु राकापति द्विजराज विधु मयंक सुधाकर निराकर शशि राकेश हिमकर कलाधार इंदु, मृगांक इसे हम लोग चंद्रमा कहते हैं उसमें चंद्रिका चांदनी ज्योत्सना कुमोदी तो हम लोग इसे चंद्रिका कहते हैं उसी रूप से चांदी मतलब जो रजत होता है सौंध रूपा रूपक रौप्य तो इस प्रकार को उसको चांदी कहते हैं अगला देखते हैं अगला है वो चोटी मतलब मुर्धा शीश सानु श्रृंग मतलब जो ऊंचाई जो पर्वत की ऊंचाई चोटी इसके बारे में ये कह रहा है इसको सानु श्रृंग शीश और मुर्धा भी कहते हैं उसको चोर जो घर में चोरी करता है या बाहर चोरी करता है खनक दस्यु साहस्रिक उसके बाद रजनीचर और मूसक इसे हम लोग चोर कहते हैं साहसिक भी कहते हैं उसको जल साहस साहस वाला काम भी करता है भाई चोरी करके <laughs> किसी घर में दूसरे घर में जाके तो उसे इसलिए कारण भी कहेंगे जल मतलब पानी नीर अम्बुज सलील अमृत तोय उद्रक वारी तो देखिए फिर अमृत को यहाँ प्रयोग किया जा रहा है ये अमृत एक बहुत जगह प्रयोग हुआ है तो उस कारण से देखिए काफ़ी जगह अमृत का प्रयावासी बनता है अगला है जंगल जंगल कहते हैं विपिन कानन अरण्य वन इसे हम लोग जंगल कहेंगे जहाज को कहते हैं पोत जलियान नाव भी जहाज तो नाव छोटा होता है और जहाज़ बड़ा होता है तो ध्यान रखिएगा जानकी में सीता वैदेही जनक सुता और जनका तनिया उसको है जनकाजा जनका आत्मजा जैसे ये कहता देखिए जैसे आत्मजा है ना ये पुत्री की प्रयोग किया जाता है तनिया भी पुत्री के लिए प्रयोग किया था, किया था। और जनक जो उनके जो पिता का नाम था भी सुता जो है ये पुत्री के लिए प्रयोग किया जाता है तो जो जनक है उनके पिता का नाम था जनक, जन, और उनके बेटी को ये कहेंगे जनक की बेटी को ये कहेंगे इस प्रकार से पचास हम लोग देख चुके हैं प्रयावाची और बाकी के जो प्रयावाची हैं जैसे झरना का उत्म ये सब सारे जो है पार्ट टू में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से पार्ट वन का वीडियो समाप्त होता है और आप लोग पार्ट टू में जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप लोगों को इसको मिल जाएगा जहाँ से आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं ये पूरा पी के फॉर्म में है वहाँ से सीधा आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा इस प्रकार यह वीडियो समाप्त होता है और क्या है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के बीच में शेयर कीजिए तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में तक लिए धन्यवाद